नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत है। आज की अगर बात की जाए तो आज शो को शुरू करने से पहले ही मैं ऐलान कर देता हूं कि आज का शो बिल्कुल सुपर हिट है। आज का शो बिल्कुल सुपर हिट है क्योंकि आज मेहमान ऐसे हैं जो सेहत और सियासत दोनों में फिट हैं। चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान है, कांग्रेस की पहचान है, आंखों में चश्मा है, जनता में गजब का करिश्मा है, युवाओं में उनका जादू जरूर है लेकिन राजस्थान के जादूगर से थोड़ा दूर है। लोग कहते हैं कि अकेले खेल बदल सकते हैं मगर खफा होकर भी खफा नहीं लगते हैं। तोड़ने की हजार कोशिशें हुई लेकिन हर पैतरे का तोड़ है, पार्टी से रिश्ता है जैसे फेविकॉल का जोड़ है। जोर से बताइए हमारे आज के मेहमान कौन है, कौन है हमारे मेहमान? जोरदार थालियों से स्वागत कीजिए देश के बेहद लोकप्रिय राजनेता, कांग्रेस के महासचिव, क्या इस बार कर सकते हैं पासा पलट, टीवी 9 के हाईटेक स्टूडियो में आ चुके हैं सचिन पायलट जी। स्वागत है आपका। सचिन जी स्वागत है हमारे 5 एडिटर्स, आइए प्लीज प्लीज बैठिए। पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, आप काफी दूर से आ रहे हैं, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन। बहुत सचिन जी, चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री समेत पूरी बीजेपी जोर शोर से नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार। आप जमीन का माहौल देख रहे हैं, आपका भी अपना एनालिसिस होगा, क्या दिख रहा है आपको? देखिए पब्लिक जो है उसका गेज करना कोई इतना आसान नहीं है और सब प्रोफेशनल लोग करते हैं, पोलिंग करते हैं, ओपिनियन पोल्स लेते हैं, रुझान आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है और अपना मन देती नहीं है। 2004 में जब चुनाव हुए थे तब सब सोच के बैठे थे कि वाजपेयी जी का आना तय है, किसी को डाउट ही नहीं था। इंडिया शाइनिंग एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान चला था, उस समय परिणाम बिल्कुल विपरीत आए थे। और अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी दावा कर रही है 200 पार, 300 पार, 400 पार, अगर इतना उनमें आत्मविश्वास होता खुद के दम पर इतना बहुमत पाने का तो वो नाना प्रकार के दलों को, नेताओं को तोड़कर जोड़ने की कोशिश नहीं करते, एनडीए को रिवाइव नहीं करती। मत भूलिए 4 साल तक भाजपा ने सिंगल हैंडेडली गवर्न किया। जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तब उनको लगा कि हमारा वोट परसेंटेज इस अलायंस के सामने बहुत कम है, तो उन्होंने एनडीए को दोबारा रिवाइव किया, लोगों को जोड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ किया और आज भी वो एक एक दल, एक एक नेता, एक एक सीट पर लोगों को जोड़ रहे हैं। ये दिखलाता है कि वास्तविकता को पहचान रहे हैं और नारा कोई भी दें लेकिन अल्टीमेटली जज तो जनता है और जिसका बटन दबेगा वही राज करेगा। देखिए उन्होंने तो एक 400 पार का नारा दे दिया है, आप लोगों का नारा क्या है, क्या आंकड़ा आप देख रहे हैं, कोई तो आंकड़ा होगा आपका? देखिए आंकड़ा मैं बताता हूं आपको, जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स हैं, एक दो से हमारा गठबंधन नहीं हुआ लेकिन जो 2 दर्जन पार्टीज हैं उनका वोट शेयर अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 65% वोट 2019 में पड़ा है इंडिया अलायंस पार्टनर की पार्टीज का जो वोट है, और बीजेपी एनडीए का जो वोट शेयर है वो 35% है। तो आंकड़ा तो ये है, अब वो क्या कितना चेंज होगा आने वाले 2-4 हफ्ते में ये पब्लिक बताएगी। बीजेपी के नारे को एक ही नारा टक्कर दे रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां जहां सचिन पायलट जाते हैं वहां पर युवा नारा लगाते हैं सचिन पायलट आई लव यू। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं, जरा दिखाइए एक बार जरा प्लीज। सुना आपने सचिन पायलट आई लव यू, आई लव यू, ये नारा लग रहा है। सचिन जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी देश में इतने पॉपुलर नेता हुए हैं लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता मंच पर हो और आई लव यू के नारे लगे। आप मेरी खिंचाई क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए? नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं, सच्ची में तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कहीं पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, लोगों में जोश होता है, लोग अलग अलग नारे लगाते हैं लेकिन इसको इतना सीरियसली मत लीजिएगा आप। आपने जो सुना है ये
ठीक है, कभी कोई बोल देता होगा, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की मैं समझ जरूरत नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोल रखी है और सामान सचिन जी का बिक रहा है। एक ही टीम के हम लोग भाई, सामान मैं बेचूं वो बेचे, दुकान मैं खोलूं वो बंद करें, एक ही बात है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम निश्चित रूप से जो इतना युवा वर्ग इस देश में जो अधिकांश मैं समझता हूँ जागरूक है, समझदार है, उन लोगों को अपनी सोच, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपनी रोड मैप को अगर हम जितना ज़्यादा उनको बताएंगे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और ये हर पार्टी करती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा समय को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ढाला है, और वही काम हमको आज भी करना पड़ेगा अगर युवाओं की वोट को हमें आकर्षित करना है। और ये सिर्फ एक मैं अकेला या एक दो या पांच नेता नहीं, पूरी पार्टी को करना चाहिए और पूरे देश में हम लोग करेंगे। अच्छा, भीड़ की अगर बात की जाए तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी भीड़ दिख रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे राहुल जी की तो छवि मजबूत हो रही है, कांग्रेस की नहीं हो रही है, क्या ये बात सही? बात गलत है। देखिए, जो पब्लिक है किसको वोट करती है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमारा एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम क्या है? जनता तक जाना, बात को रखना स्पष्टता से, और एज अ रिस्पॉन्सिबल विपक्ष, हम लोग विपक्ष में आ जाएं तो जवाबदेही तय करना, सवाल पूछना, पब्लिक इश्यूज़ को जनता में उठाना। कभी कभी लोग ध्यान डाइवर्ट करने की बातें करते हैं, हम लोगों को मुख्य धारा में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, निवेश के, रोजगार के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़कों के, इन इश्यूज़ को लेकर जाएं, उस पर संवाद हो, उसकी रिपोर्ट कार्ड को खंगाला जाए, उस पर हम कहें भी किसने कितना काम किया, अल्टीमेटली पब्लिक जज करेगी। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष का हमारा एक बड़ा दायित्व है, और लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी होती है, तभी तो तराजू होता है। और जब तक विपक्ष, जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, हम पूरी ताकत से करते हैं, अल्टीमेटली जनता के हाथ में है। लेकिन कांग्रेस का, विपक्ष का ये दायित्व है, जिम्मेदारी, फ़र्ज बनता है कि हम पब्लिक इश्यूज़ को टेकअप करें और सरकार को हम हर उस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करें जो लाइन से हटकर है। और ये अक्सर हुआ है, मैंने देखा है, जो भाजपा की सरकार केंद्र में 10 साल हो गए, आज 10 साल में अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपने किए गए वादे और उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनको अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो सवाल पूछने का अधिकार हमको है। वो मुद्दा डाइवर्ट करते हैं जज्बाती मुद्दों के ऊपर, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर, उससे लोगों का ध्यान भटकता है। लेकिन जो मूलभूत इश्यूज हैं उनको प्रासंगिक रखना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले ये आपका सवाल। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जरा सी भी कटुता आपके अंदर क्यों नहीं है? इतने सालों में इतने सारे लोगों को इतनी कड़वाहट के साथ में अलग अलग पार्टियों से हमने जाते हुए छोड़ते हुए देख लिया। 5 साल पहले मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान का मैंडेट आपके नाम पे मिला था, आपकी मेहनत पे मिला था, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा रखते हुए मिला था। उसके बाद में भी जिस तरीके की जनता को लगता है कि नाइंसाफी आपके साथ में हुई, उसके बाद में भी आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, ये संभव कैसे है? क्या कारण है? और अगर ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में है तो क्या आपके मन में है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, अभी इसी तरीके से चलना बेहतर है? वाह देशमुख जी वाह, आपने जो है ऐसा सवाल किया है। देखिए, ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और वो अपने आप को किस प्रकार के नेता के रूप में पहचान देना चाहता है। कितने पद हैं देश में, कितने नेता बने हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कितनों को लोग याद करते हैं। मुझे लगा कि आपने कुछ बातें बोली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, कि मेरा अनुभव ये है राजनीति में, मेरे को भी अब 25 साल हो गए करते करते, कि सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से मीठा बोलकर अपना काम निकालना चाहिए। और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? देखिए, पदों पर बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, क्या वो कोई इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं? पदों पर बहुत से लोग चिपके रहने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक के जहन में, उनके दिल और दिमाग में क्या कोई छाप छोड़कर जाते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एक अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी बोली से, अपने एक्शन से हम लोगों का अगर मन जीत लेते हैं तो उससे बड़ी पूंजी कोई नहीं राजनीति। और जहाँ तक आपने कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि राजनीति में एम्बिशन होनी चाहिए,
अगर आपके एम्बिशन ही नहीं है, पेट में भूख ही नहीं है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, अगर आपके मन में चाह नहीं है, तो फिर राजनीति भी कोई किसी काम की नहीं है। जनसेवा एक पार्ट है, लेकिन जनसेवा के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक बनने के लिए आपको लोगों का वोट जीतना पड़ेगा, वोट लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत एक ड्राइव चाहिए मन के अंदर। लेकिन एम्बिशन शुड नॉट ड्राइव यू, आप अंधे हो जाओ अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो एक संतुलन होता है, एक इनर एक कॉन्शंस होता है कि मैं किस लिए राजनीति में आया हूँ, और राजनीति तो पद पोस्ट तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पब्लिक से संबंध बना रहे, लोग आपके बारे में अच्छी बात सोचें, अच्छी बात कहें, ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको पूरा करने में लोगों के पूरा जीवन लग जाता है। बड़ी खूब दिशा में लगा हूँ कि सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर होनी चाहिए, और यहाँ पर मुझे मन में आग भी दिखाई दे रही है। विनोद सर, आपका सवाल। सचिन, वो बगोड़ा जी के बारे में कहा जाता था कि वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड, तो अगर एक पैरेलल ड्रॉ करना उचित तो नहीं होता, कंपैरिजंस आर ऑलवेज ओडियस, नहीं करने चाहिए, लेकिन आज के दिन ये कह सकते हैं कि यू वो द बेस्ट चीफ मिनिस्टर राजस्थान नेवर हैड और हैजंट हैड एज येट। अभी आने वाले सब वक्तों में क्या संभावना है, एक, और आजकल आपके रिश्ते अशोक जी से कैसे हैं, अशोक गहलोत, और क्या उनके बेटे के लिए आप कैंपेन करेंगे? मैं रिवर्स में शुरू करता हूँ। वैभव गहलोत के लिए मैं 100% कैंपेन करूँगा, पूरी ताकत से कैंपेन करूँगा। वो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है, वो मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे साथ उसको मैंने अपना महासचिव बनाया था और मैंने मिलकर काम भी किया उसके साथ। मेरा और वैभव गहलोत की उम्र का फ़र्क कोई 1-1.5 साल से छोटे मेरी उम्र में, वो तो क्यों नहीं करूँगा। पहली बार जब पिछली बार वो चुनाव लड़े थे जोधपुर से, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, नामांकन मैंने भरवाया था उनका, और मैंने पूरी ताकत के साथ उनकी पैरवी करी थी दिल्ली के अंदर। तो जो आपका सवाल है, मैंने ख्याल उसका मैंने आंसर दे दिया कि मेरे रिश्ते कैसे हैं। मेरे किसी से कभी रिश्ते बुरे नहीं हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के रास्ते कौन से हैं उस पर अपनी अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी के सम्मान में कमी, कभी कटुता, कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग, या कभी किसी को कम इज्जत देना, ये मेरे आचरण में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है। तो जो भी व्यक्ति मेरे साथ राजनीति करते हैं, विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, मैं जब विरोध भी करता हूँ, मनोज जी मेरे बड़े दुर्विरोधी हैं जो भाजपा के नेता हैं दिल्ली जयपुर में, मैंने उनका डट कर विरोध किया है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान में 5 साल, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हम 200 में से 21 विधायक थे, बीजेपी के 165 विधायक थे, तो पूर्ण बहुमत था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका शासन आया 2013 के अंदर। 5 साल मैंने विरोध किया और ईश्वर गवाह है, मैंने उनको 5 साल चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनका विरोध किया, सैद्धांतिक विरोध किया, उनकी नीति का प्रयोग किया, उनकी पॉलिसीज़ का विरोध किया, उनकी गवर्नेंस का विरोध किया, कहीं पर कहीं गड़बड़ी मुझे दिखी उसका मैंने जमकर विरोध किया, लेकिन मैंने कभी भी व्यक्तिगत ना तो प्रहार किया, ना कभी चरित्र हनन करने की कोशिश करी, और ना कभी स्पॉटलाइट ढूंढने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि मैं अखबार में कभी मेरा नाम छप जाए। तो विरोध करना चाहिए, डट के विरोध करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उदाहरण स्थापित किया देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विरोध किसी का कम किया, कांग्रेस पार्टी का डट का विरोध किया, उनके भाषण आप सुनिए कभी जाके, और उन्होंने जो लहजा अपनाया वो राष्ट्रीयता में लिप्त था, उनका हम भी विरोध करते थे पॉलिसी में, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो व्यक्तित्व विराट बनाने के लिए मीठे बोल भी बोलने पड़ते हैं, विरोध करना जरूरी है, लेकिन आप किसी को अटैक करो, गाली गलौज करो, उस पर एलिगेशन लगा दो, पब्लिक में उसकी बेइज्जती कर दो किसी नेता की, तो जिस जो कीचड़ फेंकता है 2-4 बूंद तो उसके ऊपर भी आके गिरेंगी। तो हम सबको जिम्मेदारी हमारी बनती है, खासकर मेरी पीढ़ी के पॉलिटिशियंस की, कि हम लोग एक उदाहरण स्टेट करें। तो इसलिए मैंने विरोध जिसका भी किया है सैद्धांतिक किया है, व्यक्तिगत नहीं किया है। तो और आपने कहा अभी भवना जी किस बात कर रहे थे आप, अभी तो टाइम पड़ा है, तो अभी देखते आ गए कि क्या होता है। टाइम राजस्थान में कैसा रहेगा इस बार 2000? बदलाव है, देखिए पिछले 2 चुनावों से वहाँ पे हम लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक अलग वातावरण बन गया था, और हमारा बॉर्डर स्टेट है तो सरहद पर एक्शन हुआ, उससे एक अलग तरह की भावना पैदा हुई, उसका जो परिणाम हमने देखा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई और 25 सांसद भाजपा के जीत के गए,
मुझे खेद है कहते हुए कि इन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए लोग अब थोड़ा बदलाव चाहते हैं, थोड़ा चेंज चाहते हैं, और हम लोगों ने जब तक कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं अच्छे और साफ छवि के लोगों ने मैदान में उतारा है, तो हम कॉन्फिडेंट कि हम लोगों का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहेगा पहले से। अब कांग्रेस ने जो सचिन जी अभी तक टिकट बांटे हैं उससे संदेश साफ है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। देखिए मुझे बाकी पार्टियों का पता नहीं, कांग्रेस में कम से कम डिस्कशंस के बाद, फीडबैक लेने के बाद, सर्वे भी हम कराते हैं, लोकल नेताओं से चर्चा करते हैं, और फिर जो जिस सीट पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है। सिर्फ इलेक्शन कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, इलेक्शन समीकरण का आगे से कौन लड़ रहा है, कौन सीट निकाल सकता है, कौन किस मौके पर। कई बार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने को कहा है लोकसभा का, कई बार कहा है विधानसभा का, आज मुझे संगठन जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की। तो हम लोग अलग अलग समय पर जिसको जो जहां उपयुक्तता होती है उसको चुनाव लड़वाते हैं, और सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बहुत से सीनियर लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहना गलत है। कमलनाथ जी सीएम कैंडिडेट थे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अशोक गहलोत जी सीएम कैंडिडेट, सीएम थे, कैंडिडेट भी थे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सीएम थे वो। तो एक मिनट मैं बोल दूं, आपने दो उदाहरण दिए, दोनों बड़े गलत उदाहरण हैं। कमलनाथ जी 9 बार सांसद चुने जा चुके हैं, अशोक गहलोत जी 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं, तो ये बोलना कि वो चुनाव नहीं लड़े, नहीं लड़ सकते हैं, बड़ा गलत। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, इस बार उनका बेटा सिटिंग एमपी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि सवाल उठता अगर वो चुनाव नहीं लड़ते उनके पुत्र, वो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्या सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी तक तो पार्टी ने मुझे ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जब भी मुझे कहा गया है कुछ काम करने के लिए मैंने पूरी ताकत पूरी शिद्दत से किया है। मुझे जिम्मेदारियां दे रखी है एक स्टेट की जहां का मैं महासचिव हूं, लेकिन जब भी देश में जहां भी प्रचार करने को मुझे कहा जाता है मैं वो भी करता हूं, और निश्चित रूप से मेरी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे होम स्टेट की है, तो वहां पर भी हम मैक्सिमम सीट जीत कर आए। आपकी निजी राय पूछना चाह रहा हूं। नहीं, निजी राय का मतलब ही नहीं होता, निजी राय तो विनोद जी ने जो बात बोली, निजी राय तो बहुत कुछ होती है, लेकिन निजी राय पर राजनीति नहीं होती। ठीक है, स्मृति ईरानी फिर से राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है, क्या राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अब कोई चुनौती दे दे मोदी साहब को कि आप जाके वायनाड से चुनाव लड़ो, तो लड़ेंगे क्या? ये चुनौती क्या होती है, कोई कुश्ती थोड़ी ना है। पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शंस हैं, कौन कहां से सांसद है, किस पार्टी ने किसको कहां की जिम्मेदारी दे रखी है, ये तो हमारा पार्टी का मसला है ना। ऐसे जिम्मेदारी आप चुनाव लड़िए ना, कोई ना कोई तो हम लड़वाएंगे जिसको लड़ना। आपका क्या सजेशन होगा? मेरा सजेशन है आप अपने 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाएं, और हमारा इंडिया अलायंस है, हम चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ आप देखिए दो हाथ करते हैं, देखते कौन जीतता है। अब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ना चाहती हैं, प्रियंका गांधी जी की चर्चा है कि वो रायबरेली से शायद चुनाव लड़ सकती हैं या लड़ना चाहिए, आपका क्या सुझाव होगा? अगेन इसमें व्यक्तिगत राय नहीं है, अगर पार्टी, और मैं मानता हूं कि पार्टी उनका पूरा उपयोग करेगी, उनको चुनाव लड़वाना है, कहां से लड़वाना है, नहीं लड़वाना, इसका निर्णय भी हमारी AICC में होगा, बहुत जल्द होगा। लेकिन उन्होंने जो भूमिका निभाई है, जो कैंपेन किया है तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में, अन्य राज्यों में, उसका भी पार्टी को हमेशा लाभ ही मिला है। अच्छा, हमने सुना है कि सचिन जी CWC की बैठक में आपने ये सुझाव दिया कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। मैं तो यहीं पे बोलने को तैयार। क्या प्लान है सचिन पायलट के पास नरेंद्र मोदी को हराने का? देखिए आप फिर व्यक्तिगत जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जितना ज़्यादा प्रतिभाओं को तलाशेंगे, शिक्षित हैं, साफ छवि के हैं, अच्छे वक्ता हैं, मेहनतकश लोग हैं, ऐसे बहुत से नौजवान हमारे दल में हैं, उन लोगों को जब तक हम फ्रंट लाइन पर लेकर नहीं आएंगे, उनको लीडरशिप रोल्स हम लोग नहीं देंगे, जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक हम न्याय नहीं कर रहे हैं इंडिया की डेमोग्राफी के साथ। हमारे यहाँ औसत उम्र अगर 27 साल है इस देश में, तो हमारे सांसद, विधायक और बड़े पदों पे जो लोग हैं उनकी उम्र कम क्यों नहीं हो सकती? और ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में टैलेंट नहीं है या यंग लोगों में कुछ कर गुजरने की वो क्षमता नहीं है, लेकिन उनको जब तक हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो जो मेरे हाथ में था, मैं राजस्थान का अध्यक्ष था, मैंने तमाम नौजवानों को MLA के टिकट देने की कोशिश करी, इस बारे में मैंने बहुत पैरवी करी। तक जो हुआ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, आप सहमत हैं? बिल्कुल, हर डिसीजन में हमसे विस्तारित चर्चा हुई, कई कई बार हुई, और सबसे सलाह लेने के बाद जो निष्कर्ष हुआ उसी का परिणाम हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ठीक है, बट यंग पीपल के लिए आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई जितना ज़्यादा मौका दोगे, और दूसरी बात, जितने यंग लोगों अपने चुनाव में उतारा विधानसभा में राजस्थान के अंदर, अधिकांश लोग जीत कर आए। रामकृपाल सचिन जी, मेरा एक सवाल है, ये जो चुनाव है इस बार का पार्लियामेंट का, आपको लग नहीं रहा है कि कांग्रेस जो है इतनी बुरे दौर में अपने जीवन काल में कभी नहीं रही है? एक चीज, अगर हाँ ऐसा है तो क्या ये वक्त नहीं है कि ये कांग्रेस
को ये लोग, आप जो टॉप लीडर्स हैं जो माने जाते हैं, मैं आपको सिर्फ राजस्थान का नेता नहीं मानता, मैं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं में से जिनके जनता जिन पर जिनका जिनके साथ भविष्य देखती है पार्टी का, तो क्या आप लोग कभी भी इस बात को सोचते हैं, एनालिसिस की कि हमारी आज आई हालत क्यों हो रही है? दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे अभी आपने कहा इंडिया अलायंस, मेरा कहना है कि इंडिया अलायंस है कहाँ पे? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि रीजनल पार्टीज़ आपको ब्लैकमेल कर रही हैं? जो रीजनल पार्टीज़ मनमोहन सिंह के समय तक आपकी बैसाखी हुआ करती थी, वे रीजनल पार्टियां अब कांग्रेस को बैसाखी बना रही हैं। एक बहुत बड़ा कारण आज कांग्रेस की जो छवि है वो कहीं लड़ती हुई नहीं दिख रही है, क्या ये नहीं है? आपने दो तीन सवाल करे। पहला तो ये कहना गलत होगा कि कोई भी दल किसी को बैसाखी बनाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक ख्वाहिश होती है कि अपने राजनीतिक ज़मीन को पकड़ के रखे, और इंडिया अलायंस के जो पार्टीज में जो नेगोशिएशंस हो रहा है उसको ब्लैकमेल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर रीजनल पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और वो अपना स्पेस छोड़ना नहीं चाहती, तो हर नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। एक दो दलों के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप प्योर आंकड़ों की बात करें, मैं आपसे सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इतने कम सांसद लोकसभा में आज से पहले कभी नहीं आए हैं, ये बात सच है। लेकिन मात्र आंकड़ों के आधार पर बोलना कि सबसे बुरा दौर है और बहुत ख़राब है, वो मैं समझता हूँ सही नहीं होगा। जब भविष्य को देखकर हम आशावान हो सकते हैं, जब लीडरशिप में लोगों का विश्वास बन सकता है, जब डायनेमिकली बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूँ इंडिया अलायंस का आपने कहा कि दिख नहीं रहा, अब हमारा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन दो दिन बाद है, सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मुंबई में आएंगे, हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं दो दिन के बाद, तो आप देखिए जो बिहार में महाराष्ट्र में बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर इंडिया अलायंस का गठबंधन मैं समझता हूँ आज बहुत आगे है NDA से। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये बात सच है कि हम लोगों को पिछले 10 साल में विपक्ष में बैठे हैं, हम दो चुनाव लगातार हारे हैं, लेकिन मत भूलिए हम लगातार दो चुनाव जीते भी थे 2004-2009। तो दो चुनाव जीतकर दो चुनाव हारकर ये बोलना कि पार्टी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, ठीक है हम लोग आज कमज़ोर हैं क्योंकि विपक्ष में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी की सोच में विश्वास रखने वाले समर्थक या प्रशंसक जो देश भर में हैं। और एक बात, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सब सहयोगी दल हैं, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, चाहे वो कोई भी दल के हों इंडिया अलायंस के, लेकिन नेशनली राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती देकर मात दे सकती है तो वो कांग्रेस ही है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें इतिहास है, देश इतना बड़ा, हमारा विभिन्न विभिन्न राज्य हैं, केरल से लेकर कारगिल तक, हर कांग्रेस का आज भी हर घर में पहचान, निशान, समर्थक, हमें शायद वोट ना दे रहा हो एक बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अनजान है या कांग्रेस में कभी उसने वोट नहीं डाला, तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। ठीक है, अभी टाइम चुनाव का है, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस हमेशा ऊपर ही आएगी NDA से। यशवंत जी, सचिन जी से कोई सवाल पूछना जो है वो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है कि एक पेशेंट है, उसकी एक दवाई है और डॉक्टर वो दवाई नहीं दे रहा है, और हम दवाई से पूछें कि डॉक्टर आपको क्यों नहीं दे रहा है। ये इतना बड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया टुडे पत्रिका के लिए हम लोग हर 6 महीने में जो मूड ऑफ द नेशन करते हैं उसमें कुछ सालों से एक सवाल एडेड है कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस के लिए बेहतरीन नेतृत्व कौन हो सकता है, और मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कई बार के राउंड्स में भी आपका नाम हमेशा उसमें ऊपर आता है। क्या कभी कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर आपसे इस विषय में कोई बात हुई, कोई आपको इस बारे में पूछा गया, या कांग्रेस के अंदर आपके जैसे चेहरे को केंद्र में प्रयोग किया जा सकता है, युवा चेहरे को, इसके ऊपर कभी कोई विमर्श होता है? कभी आपको लगता है कि आप उस भूमिका में कुछ न्याय कर पाएंगे? यशवंत जी, ये बात मुझे पत्रकारों ने बहुत पूछी है, लेकिन मेरी पार्टी ने, मैं 26 साल का था जब पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया लोकसभा का, मैं सांसद बना 26 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में मैं केंद्र का मंत्री बना, 34 साल में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, 36 साल में मैं उप मुख्यमंत्री बन गया, तो
मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ उनको बताने के लिए कि कांग्रेस में सर्वे क्या बोलता अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझको प्लेटफॉर्म या अवसर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सवाल ये उठता है कि हम लोग जितना हमको मिल चुका है हमने कांग्रेस को क्या दिया? क्या मैं कांग्रेस के वोट बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं कांग्रेस के हित के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं कांग्रेस को और व्यापक बना सकता हूँ? व्यक्तिगत मतभेद बहुतों के हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कितने लोग, इन सोनिया गांधी जी ने उदयपुर के अधिवेशन में क्या बोला? हम सब बैठे थे, बहुत अनुभवी नेता नौजवान, या उन्होंने कहा भाई हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई बहुत कुछ बना, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, हम लोग वापस कांग्रेस को क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 50% जो पार्टी के पद हैं ब्लॉक जिला से लेकर राष्ट्र तक, 50 under 50, 50% पद हम 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। ये हमारा अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पारित किया था उदयपुर के अंदर। तो जहाँ तक आपने कहा कि मेरी बात, आज मुझे मैं पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, हम 10-11 लोग हैं महासचिव राष्ट्र में, तो ये कहना कि नेशनल लेवल पर मेरा उपयोग नहीं हो रहा है बड़ा गलत होगा। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मुझे पार्टी के लिए भेजा नहीं जाता काम करने के लिए, और आज मैं एक राज्य का प्रभारी हूँ, महासचिव हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट होती है अध्यक्ष के बाद, तो उस इतने इम्पॉर्टेंट वर्किंग कमेटी में महासचिव मुझे पार्टी ने बनाया है, तो उसका एहसास मुझको भी है पार्टी को भी है। मसला ये है कि हम पदों पर बैठे हैं लेकिन हम पार्टी के लिए हम क्या योगदान दे पा रहे हैं, इतना बड़ा हवन है मेरी आहुति क्या है उसके अंदर, ये मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए, मुझे भी हम सब नेताओं को करना चाहिए जिन्होंने 30-40 साल से पार्टी का बहुत कुछ लिया है, उन सब लोगों को आज अगर थोड़ा त्याग करना पड़े, थोड़ा बलिदान देना पड़े, थोड़ी मेहनत और करनी पड़े, तो यही समय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नेतृत्व निखारने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है विपक्ष में रहना। मैं 5 साल विपक्ष में रहा यशवंत जी, उससे पहले मैं केंद्रीय मंत्री रहा, सांसद रहा, लेकिन जो राजनीतिक गहराइयाँ, जो जड़ें, जो लोगों से जुड़ाव विपक्ष में रहकर मुझे हासिल करने का मौका मिला वो सत्ता में रहकर नहीं मिला। और आप सब भी जानते हैं जो आपने पहला स्टेटमेंट बोला था कि मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा राजस्थान में, वहाँ मैं जेल में गया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, लाठी खाई, खून पसीना बहाया उन 5 सालों में, उससे लोगों से जुड़ाव बनता है, कार्यकर्ताओं के मन में आप जगह बना पाते हो। तो विपक्ष में रहकर बहुत कुछ एक नेता अपने आप के लिए हासिल कर सकता है। अब एक पहले तो जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है सचिन जी, मैं वहां पर जाऊंगा एक रैपिड फायर और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको सवाल के साथ एक तस्वीर को चूज करना है। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जोरदार तालियां हो जाए पहले। हर सवाल पर आपको हौसला बढ़ाना है। आइए जरा इस रैपिड फायर राउंड को शुरू करते हैं। ये देखिए, अब जो मेरा पहला सवाल इस वक्त आ रहा है, सीधे मेरा पहला सवाल जो इस वक्त आ रहा है, प्ले ऑन करिए इसको, मेरा पहला सवाल दिखाइए जरा। बेहतर राजनेता कौन, सचिन जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद या अशोक चौहान? बेहतर राजनेता कौन? इनमें से कोई भी कांग्रेस में तो है नहीं, तो कोई अच्छा राजनेता भी नहीं है। नहीं है, सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मेरी पार्टी में नहीं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं मैं। ठीक है सर, थोड़ा माहौल बनाइए, थोड़ा जोरदार तालियां उस पे। चलिए, क्या आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हैं? तैयार हैं अगले सवाल के लिए? आवाज नहीं आ रही मुझे। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। यहां पर हमारा अगला सवाल है, बेहतर प्रशासक कौन? अब ये तो कांग्रेस में ही अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जी, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हो जाए सर। अगला सवाल दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए, कांग्रेस का दोस्त कौन है, ममता बनर्जी या मायावती? ये दोनों अगर सच्ची दोस्ती कर लें तो हमारा गठबंधन का जीतना 100% तय है। अभी दोनों दोस्त नहीं है, एक आधे हैं, एक चौथाई में है। ठीक है, जोरदार तालियां हो अगले सवाल के लिए जरा। अगला आंसर प्लीज, आपको ये सवाल बनाता कौन है आपके लिए, मुझे बताइए। सर मैं आपको मिलवाऊंगा शो के बाद उनसे। दिखाइए जरा, आइए जरा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, दूरदर्शी नेता कौन है, आपकी निजी राय? देखिए, मैंने दोनों के साथ मैंने काम किया है, राहुल जी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रियंका जी महासचिव हैं, और इन दोनों की जोड़ी बहुत बेहतर है और इसी जोड़ी के साथ काम करना है। ठीक, ओके। अब
अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा और मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिएगा, और जरा जोरदार पहले तालियां हो जाए, दिखाइए जरा। राजस्थान में प्ले करिए जरा, राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा कौन है? आज की तारीख में हम दोनों में से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो हम सबका अध्यक्ष है। अगली बार चेहरा कौन? चलिए अगली बार देखेंगे। ठीक ओके, अब इस रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल जो है, अब ये पूरा देश जानना चाहता है। प्ले ऑन करिए हमारा अगला सवाल। देश का लोकप्रिय नेता कौन? आप मेरे पूछ रहे हैं? जी, मैं आप ही की राय पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों की और सच्चाई की। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कहा मेरी बात करी है, तो मेरी पार्टी का जो नेता है जो हमारे लिए संघर्ष करता है, मैं तो उसी को मानूंगा। ठीक है, मैं आगे आता हूं। हमारे एडिटर्स हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका सवाल सचिन जी से प्लीज। तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं इस सवाल में। राजनीति आप बेहतर जानते हैं कि अपने एडवर्सरी को आप उसकी कमियां और उसकी खूबियां उससे वाकिफ हों। भारतीय जनता पार्टी पलक झपकते ही अपने नेताओं को यहां से वहां कर देती है, घर बिठा देती है, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को किनारे कर देती है, कहीं कोई बगावत नहीं होती है। आप लोग कांग्रेस के लोग, आप सब लोग सुन रहे हैं ना, ये जो झगड़े हैं टीवी कैमरे के सामने क्यों सुलटाते हैं, सड़क पे क्यों सुलटाते हैं? क्या इनको सड़क पे सुलटाना चाहिए या नहीं, जवाब दीजिए पहले। राजनीति के झगड़े अंदर कमरे के सुलझाने चाहिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी करती है, या कांग्रेसियों की तरह कैमरे के सामने लड़ना चाहिए, बताइए हाँ या ना। ओके, अब मैं सचिन जी से सवाल लेता हूं। सचिन जी, आपने सवाल आपसे पूछा, तो झगड़े के लिए तो दो लोग चाहिए होते हैं ना जी। एक व्यक्ति कुछ बोले, दूसरा कुछ ना बोले, उसको झगड़ा बोलेंगे क्या हम लोग? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, पहली बात। बगावत की, पहली बात, वो अलग इशू है, मैं आपने झगड़े की बात करी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में आपने बड़ा प्रशंसा करी, कुछ मर्दी कर दिएगा, कोई उफ नहीं बोलता। प्रशंसा नहीं की, ये तथ्य बताएं। मैं आपकी, आप मेरी बात सुन लो शांति से। आपने कहा कि बड़ी खूबी है उनके अंदर कि वो बड़ा निर्णय ले लेते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता और ये है वो है। आप उनसे पूछिए जो आज उस पार्टी में बैठे काम कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है। हमारी पार्टी में हो सकता है कोई हम लोग विरोध कर दें किसी एक निर्णय का, लेकिन एक ज्वलंत डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बोलना, कहना, सुनना अगर वो समाप्त हो जाएगा और सिर्फ कदमताल होगी, तो वो एक अच्छा उदाहरण नहीं है लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। अनुशासन होना चाहिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बड़े निर्णय लेने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और पार्टी का अनुशासन सबसे ऊपर होना चाहिए और सब पे लागू होना चाहिए। ये अनुशासन ऐसा नहीं है कि इनके लिए हो, इन पे ना हो, पहली बार। लेकिन वो पार्टी का अलग काम करने का तरीका है और हमारी पार्टी का अलग काम करने का तरीका है। आज वो सत्ता में, हम विपक्ष में, तो आप लोग बोल सकते हैं, आपको उलाना दे सकते हैं कि वो बेहतर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी में डिस्कशन, डिबेट, डिलिब्रेशंस, असहमति, इसको लोग इनकरेज करते हैं, दूसरे दल में नहीं करते हैं। सुनने की ताकत नहीं है, आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है, कड़वे शब्द बोलने सुनने का वातावरण नहीं है। और जब तक आप अपनी बात बोले नहीं, आप हम डिस्कशन जब करते हैं, बड़े हीटेड डिस्कशन होते हैं, यहाँ तक कि जब सोनिया जी हों, राहुल गांधी भी हों, हम लोग अगर सहमत बोल देते हैं, राहुल गांधी खुद बोलते हैं भाई आप सहमत हैं तो बोलो, हम बोलते हैं, टेबल पीट पीट के बोलते हैं। और ये मुझे लगता है एक पार्टी के लिए अच्छी बात है कि आप बोलने का उसमें अधिकार है, स्पेस है, आपको इनकरेज किया जाता है। आपके मुंह पे टेप लगा के बैठा दें और सिर्फ हाथ ही खड़े कर रहे हैं, कोई नौकरी कर लेते, फिर राजनीति करने का क्या मतलब है? एक छोटा सा सवाल इसमें, एक बस एक छोटा सवाल ये है, आप जेंटलमैन हैं, सब लोग मानते हैं इस बात को, आज की जो राजनीति है उसमें जनता जेंटलमैन को प्रेफर करती है स्ट्रीट फाइटर को? व्हाई कांट यू बी बोथ? क्यों भाई, मैं जेंटलमैन हूं, लेकिन आपने मेरा विपक्ष का रवैया देखा नहीं राजस्थान में, मैंने ऐसा फाइट किया है कि बड़े बड़ों के सिंहासन हिल गए थे, लेकिन मंत्री सहित, लेकिन लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित नहीं, नहीं सर, आप सर, हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं विपक्ष में जब था और जब मैं पक्ष में भी था, क्योंकि आपने बोला ऐसे बोल रहा हूँ, मैं पक्ष में भी था तो इतना कलेजा मेरे में था कि जो मैंने कहा मैं उस पर अडिग रहा। मैं सत्ता में रहूँ तो एक बात बोलूँ, विपक्ष में एक बात बोलूँ, मेरी विश्वसनीयता कहाँ जाएगी? वेयर इज माई क्रेडिबिलिटी? अगर पब्लिक को मैंने प्रॉमिस किया है
कि भाई ये मुद्दे पे मैं आपके साथ हूँ, कल मैं सत्ता में आ जाऊँ और मुँह फेर लूँ, अगली बार कैसे जाऊँगा पब्लिक के पास? अगर मैं करप्शन में स्टैंड लिया है, पेपर लीक पे मैंने स्टैंड लिया है, पार्टी के मैनिफेस्टो में स्टैंड लिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सत्ता में बैठ के, मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए? तो मैंने जो बोला कुछ छिपके तो नहीं किया ना, जो आप बंद कमरे में कह रहे थे आप, मैं सड़कों पर कहा और खुले मन से कहा कि ये मेरा स्टैंड है और मेरी पार्टी में मुझे फ़ख्र है कि पार्टी ने कहा आप ठीक बोल रहे हैं, हमें एक्शन करना चाहिए, हमने कोर्स करेक्शन किया। अच्छा, माफ़ कीजिए, वो करेक्शन करने के बाद आज हम 70 जीत के हैं 200 में से, पहले 20 पे रह गए थे। तो हमने कुछ कहा, कुछ हिलाया, तब जाके यहाँ तक। क्या बताना चाहेंगे कि आपने वो क्या कहा था, आपने जो कहा था कि बड़ा आपने सोनिया जी राहुल जी के सामने एकदम छाती ठोक के कहा? वो हम, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कशन में असहमति को अस्वीकार्यता नहीं है, असहमति को एक्सेप्ट कर और डिबेट कर सही रास्ता निकालते हैं। पार्लियामेंट डिबेट होती है, पार्लियामेंट में क्यों होती है? अगर सारे कानून वैसे ही पास करने हैं बहुमत के हिसाब से, डिबेट ही क्यों कर रहे हैं फिर? आपका बहुमत है, आप बिल पास करा सकते हैं, तो डिबेट का फ़ायदा क्या करने का? डिबेट इसलिए करते हैं, कोई एडवाइस देता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कुछ सुझाव देता है, तो उसमें हम तब्दीली ला सकते हैं, अदर व्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोग अपनी बात पब्लिक में बोल सकते हैं, उन सारे व्यूज़ को असिमुलेट कर एक अच्छा मंथन करने के बाद एक बिल निकलता है, कानून निकलता है। और हर मीटिंग में डिस्कशंस के बाद कुछ अच्छा परिणाम आएगा। अगर परिणाम पहले ही पता है और डिस्कशन करना ही नहीं है, सिर्फ हाथ ही खड़े करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं। अभी जिक्र किया कि आप 70 तक आ गए, आपको नहीं लगता है कि अगर झगड़ा नहीं होता तो शायद और ज्यादा आंकड़ा आता? फिर मैंने कहा झगड़े के लिए दो लोग चाहिए होते, मैंने कभी झगड़ा नहीं किया है। ठीक ठीक, राहुल जी। सचिन जी, 5 साल राजस्थान में जो हुआ हम सब ने देखा, वो आपके विरोध की आवाज़ भी हो सकती है, आपके मन की आवाज़ भी हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, उसमें खास तौर से वो जिस एरिया में जा रहे हैं, असम से लेकर मध्य प्रदेश तक, वहाँ कांग्रेस के पुराने नेताओं की मन की आवाज़ कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल के क्यों आ रही है? ये देखा गया कि असम से मध्य प्रदेश तक जहाँ जहाँ राहुल गांधी की न्याय यात्रा गई, वहाँ वहाँ कांग्रेस के कई बड़े और सीनियर दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जोड़ने निकले थे और पार्टी टूट रही, क्यों ऐसा? तो आप ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पार्टी क्यों छोड़ के गए? आपने ये नहीं कहा कि जो भाजपा के नेता कांग्रेस में भी तो आ रहे हैं? तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कुछ पूर्व मंत्री, कुछ पूर्व विधायक बीजेपी में चले गए, पूर्व कांग्रेस के अंदर वर्तमान लोकसभा के सदस्य एक हरियाणा के, एक राजस्थान के हमारी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, वो किसी को देखा नहीं, वो मीडिया में कभी आएगा नहीं। पार्टी कौन छोड़ के जा रहा है आ रहा है, ये हर चुनाव से पहले होता है, इसमें कोई किसी को लाग लपेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जहाँ विचारधारा फिट हो रही है या नहीं है, आपने विचारधारा को अबैंडन कर दिया, अब आप अलग रास्ते में निकल गए, जिसको जो सूट करता है वो करता है, दबाव है, प्रेशर है, क्या उनकी मजबूरियाँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जा रहा है उसका निर्णय है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। और एक मिनट, और उस वो निर्णय सही है गलत है वो जनता तय करेगी और टाइम बताएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोग आए हैं, इलेक्शन से पहले हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। फर्क इतना है कि जो गए हैं सब पूर्व हैं और जो कांग्रेस में आए वो वर्तमान सांसद हैं। आप जो दबाव की बात कर रहे हैं तो वो ईडी की बात कर रहे हैं? इसमें कुछ छुपाने की बात है क्या? इनकम टैक्स भी है, CBI भी है, ईडी भी है, और मैं बार बार बात को बोलता हूँ, इस देश में लोकतंत्र मजबूत इसलिए नहीं है कि हम लोग हर 5 साल वोट डालते हैं। वोट तो रूस में भी डलता है, वोट तो पाकिस्तान में भी डलता है। हमारा गणतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि 70 साल से हमारी अलग अलग सरकारों ने हमारी संस्थाओं को पोषित किया है। ये संस्थाएं हमारे आसपास के मुल्कों में मौजूद नहीं हैं। ये संस्थाएं कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनका निर्माण हमारे आज़ादी के बाद हुआ था और लगातार उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सब लोग मान क्यों लेते हैं? भाई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है सब मान लेते हैं, भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हम सब मानते हैं। क्यों? जो जज वो भी तो इंसान है ना, क्योंकि उस संस्था की विश्वसनीयता है। अगर उस संस्था की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी या उसकी विश्वसनीयता पे डाउट आ जाएगा तो लोग उनके निर्णय को नहीं माना करेंगे। और मैं यही बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने दिया जाना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और मुझे लग रहा है कि हाल कुछ सालों में एक सिस्टमेटिक एफर्ट हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कमज़ोर करने के लिए, वो हमारे गणतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखो, सरकार किसी की बने, पार्टी हारे जीते बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70-75 साल में हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और पूरे महाद्वीप में
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, आप देख लीजिए कहीं पर भी लोकतंत्र इतना जड़ें गहरी नहीं है। और वो मैं फिर बताना चाहता हूँ, सिर्फ वोट डाल देना या चुनाव हारना जीतना लोकतंत्र नहीं है। सवाल पूछना, संसद में संवाद होना, 147 सांसदों को आप निलंबित कर दो और फिर सारे बिल पास करा दो, ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की इंडिपेंडेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। और जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जो मैं कर रहा था, वो स्वच्छ राजनीति में एक अच्छा उदाहरण नहीं है। सचिन जी, आपने अभी एक सवाल के जवाब में ये कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। मैं इन सब की तरफ से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। एक सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक सवाल नहीं पूछना चाहेंगे, आप सभी से मैं पूछूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने आपको भी ऑफर दिया, ऐसी खबरें आई, ऐसी चीजें आई, तो वो क्या ऑफर था, क्या आपके ऊपर भी कोई दबाव था, क्या ये सवाल नहीं बनता है? इसका यही जवाब है कि मैं कोई दबाव में आने वाला व्यक्ति हूं नहीं, और मैं जहां हूं अपनी इच्छा से हूं, और 25 साल से जहां मैं रहा वहां मेरा मन रहा, और मैं जो भी करता हूं 100% ओके करता हूं। इसलिए मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी को मजबूत करना, मैं सन 2002 से इस काम को कर रहा हूं। और जहां तक आपने दबाव की बात बोली, तो अलग अलग, जैसे अलग अलग एंकर होते हैं, अलग अलग टीवी चैनल होते हैं, ऐसी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता होते हैं, सबकी फितरत एक जैसी नहीं होती। सचिन जी, आपको ऑफर क्या आया ये बताइए। मुझे ऑफर आया कि आप 1 घंटे का शो करेंगे। मैंने कहा मैं 1.5 घंटे का मैं आपसे खुला संवाद कर लूँगा। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई ना तो मेरे को ऑफर आया। अगर आपने कोई ऐसे तब जांच पड़ताल कर लिया, मुझे बता दीजिए। और पॉलिटिक्स में कोई क्या कहता है, कोई क्या चर्चा करता है, क्या व्हाट्सएप चलाता है, उसे राजनीति नहीं होती। जो हम कहते और करते हैं उसको जनता देखती है। मैं गलत भी हूँ, एक बार आपने बोला था कि आपसे पूछा गया था कि क्या कोई आपको ऑफर आया, तो आपने कहा सचिन तेंदुलकर को फोन किया गया, मुझे नहीं फोन किया गया। हाँ, मुझे 8-10 साल पहले की बात है, किसी नेता ने क्लेम किया, आप सही कह रहे हैं, किसी नेता ने कहा हाँ हमारी सचिन से बात हो गई। मैं कभी तेंदुलकर से बात हुई, मेरे से बात हुई नहीं। कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी का कितना नुकसान होता है? कोई सनातन धर्म के खिलाफ बोल देता है, कोई मोदी के परिवार पर हमला कर देता है। देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि बयान संतुलित होने चाहिए और व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसी बात बोलता है जिसे किसी और की भावना अगर उसको ठेस पहुँचती है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ, कोई भी हो। इसलिए हमने हमेशा, हमारी पार्टी ने, अधिकांश हम लोग जो बात करते हैं वो पब्लिक इश्यूज़ की बात करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि एक दल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि किसी धर्म को उन्होंने अच्छा बुरा कहा, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, गलत मानता हूँ। आपको लगता है इससे नुकसान होता है पार्टी का? मैंने कहा ना, नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, किसी दल का भी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमेशा अच्छी बोलनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते मत बोलो, बुरा बोलने का अधिकार किसके पास? आरोप मनोज जी, इसी का एक कंटिन्यूटी में सवाल है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस की छवि बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस राम विरोधी है। क्या आपको लगता है कि अगर आपके नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले जाते तो इस छवि से बचा जा सकता था? इस छवि कौन बनाता है और छवि बनाने का अधिकार किसको है, खासकर व्यक्तिगत भावनाओं को? मैं किस धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं किसकी पूजा करता हूँ, कब व्रत रखता हूँ, किसका भजन करता हूँ, क्या कब, ये मेरा निजी मामला है। और मुझे लगता है कि इस एक कार्यक्रम को इतना पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि जिन 4-5 हज़ार लोगों को न्योता मिला, क्या वही हिंदू थे? बाकी 120 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं? क्या राम सिर्फ अयोध्या के उस मंदिर में हैं? राम कण कण में हैं? राम पूरी सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का हम बात करें तो भगवान राम के बना नहीं हो सकती थी? तो किसी की धार्मिक भावनाओं को चुनौती देना या बार बार प्रूफ मांगना या उसको बोलना आप यहाँ गए तो आप आस्तिक, यहाँ नहीं गए तो नास्तिक, ये कहाँ की राजनीति है? मैंने ये सवाल अमित शाह जी से पूछा था। हाँ, जो आपने अभी जिसका आप जिक्र किया कि ये पार्टी का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि ना तो वहाँ पर कोई बीजेपी का नेता था, ना वो खुद वहाँ पर थे। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट की 7-मेंबर बेंच के निर्णय के बाद हुआ था। उसमें हर पक्ष ने दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय था उसको सहर्ष हम लोगों ने उसका स्वागत किया और एक भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया। सब पूरे देश में लोग इस बात को अच्छा मानते हैं, खुशी मानते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कोर्ट के आदेश के बाद। अब उस कोर्ट के आदेश का श्रेय को लेना चाहता है कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई सरकार, तो मैं गलत मानता हूँ पहली बात। दूसरी बात, अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्विटेशन जाते हैं उसकी एक लिस्ट बनती है, उद्योगपति है, अभिनेता है, चर्चित व्यक्ति है, तो वो बनाता कौन है लिस्ट? आपको इनवाइट आया क्या? आपको आया? नहीं, मुझे कोई इनवाइट, मैं तो कवरेज पे था वहां पर। तो आप तो कवरेज पे था। तो ये जो छटनी करना है कि ये बुलाना है नहीं बुलाना, ये अधिकार किसके पास है, किसने दे रखा है? मंदिर है, हम सब जा सकते हैं, मैं भी जाऊंगा जब मेरा मन करेगा, 100 बार जाऊंगा, लेकिन उस दिन जाना है, उसके न्योते पे जाना है। आपका मन कब हो रहा है, आप कब जाएंगे वहां? जब मर्जी जाऊं, आपको क्यों बताऊं मैं? और राहुल गांधी कब जाएंगे वहां? अरे भाई मैं कह रहा हूं, मंदिर में जाकर अपॉइंटमेंट थोड़ा लेना पड़ता किसी को। मैं कल वैष्णो देवी जा रहा हूं, तिरुपति जा रहा हूं, मेरी इच्छा है, मेरी आस्था है, मेरा मन है। इसमें टीवी एंकर या कोई राजनेता क्यों मुझसे पूछेगा कि जाना है कि नहीं जाना है? ठीक है, आपका पर्सनल पर्सनल मैटर। मैं तो इतना नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, इस देश में अब चुनाव आ रहे हैं तो तेल का दाम 2 रुपए कम कर दिया, गैस का सिलेंडर कम कर दिया, 9 साल से क्यों जनता के प्राण पी रहे थे हम लोग, क्यों महंगाई आसमान में चढ़ा रखी थी, ऐतिहासिक बेरोजगारी आज देश के अंदर है, और आंकड़ों पे चुनाव लड़ना चाहिए ना, सिर्फ भाषणों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। विनोद जी, दो सवाल है थोड़े लीक से हटके। देखिए, कभी कभी राजनीति में जो प्रतिद्वंदी होता है उससे भी मोहब्बत हो जाती है कि उसके खिलाफ लड़ने में मजा आता है। राजस्थान में वसुंधरा जी के साथ लड़ने में तो मज़ा आता होगा, स्ट्रांग लीडर थी। आज के दिन राजस्थान में अगर देखें भाजपा की तरफ तो सब नए नवेले छेरे हैं, और किसी के पास वसुंधरा जी वाली वो ग्रेविटास जिसको बोलते हैं वजन नहीं है, एक तो ये। और दूसरा, अभी आपसे इतने सवाल भगवान श्री राम पे पूछे गए, और मेरा व्यक्तिगत ये परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी एक सतह पे चुनाव उस तरह लड़ रही है जिस तरह चुनाव एनटीआर लड़ते थे या एमजीआर लड़ते थे, फिल्मों में जो उन्होंने रोल अदा किए होते थे हमारे ईष्ट देवों के, उस तर्ज पे वो इलेक्शन लड़ते थे। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक उस तर्ज पे ना सिर्फ नॉर्थ में पर साउथ में भी लड़ रही है। उसका जवाब आप लोगों के पास क्या है, राम वर्सेस द कांग्रेस पार्टी, इसका क्या जवाब है? बड़ा गलत है, नोबडी इज अगेंस्ट राम, पहली बात पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग विरोध किसका कर रहे हैं? हम 10 साल की गवर्नेंस का कर रहे हैं। हम विरोध ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आप किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं कर पाए, इसका विरोध मैं करता हूँ। आपने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे पाए, इसका विरोध मैं करता हूँ। इसमें कहाँ विरोधाभास है? तो ये जो नैरेटिव है ना, ये भगवान राम का, हिंदू धर्म का, मुसलमान का, इन चीज़ों से देश का विकास नहीं है, ये आस्था के इश्यूज हैं, इसको अलग रख देना चाहिए। स्टेट गवर्नेंस संविधान अलग है, धार्मिक भावना अलग होती है इंसान की, उन दोनों को अलग रखना चाहिए, और चुनाव लड़ा जाना चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर ना। 10 साल में जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे सरकारी इश्तेहार में देखता हूँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो नहीं किया, मैं तो वो पूछना चाहता हूँ। आज जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में आज है, महंगाई आसमान छू रही है, और अमीर गरीब की जो खाई है वो इतनी बढ़ गई है कि जो अमीर थे बहुत अमीर हो गए। इस देश में 1% आबादी के पास 45% देश की संपत्ति है, तो इतनी खाई बढ़ गई है गांव शहर की, अमीर गरीब की, उसकी चिंता हम लोगों को होती है, और ये देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है अगर इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है अमीर गरीब के अंदर। और आज किसान पे जो हाल है, जो 2-5 बीघे में खेती कर रहा है, खाद, बीज, बिजली, पानी, उस पर आपने कहा था MSP पे कानून बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। हमारी पार्टी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा सरकार बनाने के बाद किसानों के लिए MSP पे कानून बनाएंगे, ये हमने आज कहा है। BJP तो नहीं किया, जब काले कानून विड्रॉ किए थे तब एक कहा था कि हम लेकर आएंगे MSP पे लॉ, नहीं बनाया अभी तक। तो वादा खिलाफी हुई है, बहुत से जुमले दिए गए हैं, अब मैं तो 15 लाख खाते की तो बात ही नहीं करता। आपने भी नहीं बनाए, वसुंधरा जी पे तो जवाब नहीं दिया। कौन से वाला? डू यू मिस वसुंधरा राजे एज अ राइवल? नहीं, अब प्रिंसिपल राइवल ऐसा है, BJP किसको मुख्यमंत्री बनाएगी उनकी मर्जी है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब मुकाबला होता है तो प्रतिद्वंदिता होती है, तो एक मजबूत व्यक्ति के साथ होनी चाहिए, लेकिन BJP के मुख्यमंत्री हैं, अभी नए बने हैं, देखते हैं कैसा काम करते हैं। फिलहाल तो उनका मामला जम नहीं रहा राजस्थान के अंदर, लोग ऑलरेडी तंग आ चुके हैं और बदलाव होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं विनोद जी कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, समय एक सा नहीं रहता है, और मैं तो मानता हूं लोगों को राजनीति में तब तक रहना चाहिए जब तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, आपके वर्कर, आपके समर्थक, आपके मतदाता, बोझ बन के नहीं रहना चाहिए।
मन मार के जबरदस्ती नखून गाड़ के खींच के वहीं बैठे रहो, वहीं चढ़े रहो, लोगों को पड़े रहो, वो उसका कोई मजा नहीं है, उसमें कोई चाम नहीं है। ये किसी को मैसेज दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सचिन जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी की छवि खराब की है। आप उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, असली राहुल गांधी कौन है, कैसे हैं, क्या शौक हैं, क्या किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारियां कम आ पाती हैं? मैं उनका दोस्त नहीं हूं, हमारे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है पिछले 21 सालों में। लेकिन ये बात सही है कि सोशल मीडिया और अन्य नाना प्रकार के तरीकों से उनके इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की है, और ये बात सब जानते हैं। और इतना टारगेट करने के बावजूद भी वो 4,500 किलोमीटर पैदल चले हैं देश में, केरला से कश्मीर तक, लाखों लोगों से मिले हैं, और जितनी मेहनत के साथ लोगों से जुड़ाव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, शायद और राजनेता नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई कितना भी कहे, लेकिन उस यात्रा ने और उसके बाद और पहले भी उन्होंने अपना कमिटमेंट और अपना मेहनत और लोगों से जो जुड़ाव है वो कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन सचिन जी, लोग ये जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो सारी चीज़ें जो सामने नहीं आती हैं, उनकी कैसी शख्सियत है, क्या शौक हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ने का शौक है। अगर देखिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करना या सवाल जवाब करना मैं नहीं मानता हूँ। एज ए पब्लिक फिगर जो वो कहते हैं वो हम देखते सुनते हैं, बाकी उनकी व्यक्तिगत लाइफ में वो क्या करते नहीं करते हैं, ये मैं उनका एक निजी स्पेस है, उसमें ज़्यादा हम लोग डाइवर्ज करें वो ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से एक सवाल उठाया गया और वो सवाल ये था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मनमुटाव है, क्या सच है? अब वो ऐसा है, मीडिया में नई नई खबर डालने का उनको एक हर सोमवार को शौक है कि कुछ ना कुछ नया डालना है। अब ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलीगल हैं, उसके विस्तारित डेटा दो, SBI मना कर रहा है, वो छप गया है, अब वो वहाँ डाउट करने के लिए किसी को अरेस्ट कर लो, किसी का अफवाह उड़ा दो, ये कब तक चलेगा? लेकिन ये इस प्रकार की अफवाहों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। रामकृपाल जी, आपका सवाल। नहीं, मैं सवाल नहीं, कोई बात नहीं है। मैं जैसे ये एक चीज़ आपसे ये पूछ रहा था कि जो मैं दोबारा उसी सवाल पर लौट रहा हूँ कि 2024 के मान लीजिए जो रिजल्ट आ रहा है, जैसा कि सारे ओपिनियन पोल हैं उसमें आप ऐसा लगता है कांग्रेस विपक्ष में ही रहेगी, मैं ये कह रहा हूं कि आगे कांग्रेस का क्या फ्यूचर है, किस तरह से कांग्रेस को आप आगे लोग ले जाएंगे आप लोग? नहीं, आप, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि चुनाव में पहले से ही मान के चलना कि फलां पार्टी जीत जाएगी ऐसा नहीं है। ओपिनियन पोल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या माहौल बनता है, क्या ओपिनियन पोल्स आज से पहले गलत नहीं आए हैं, सैकड़ों बार ओपिनियन पोल गलत आए हैं। अलायंस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अलायंस का जो केमिस्ट्री है उसका जो इफेक्ट और आउटकम होगा उसको हम नहीं कह सकते अभी। मैंने फिर कहा, 19 में इंडिया अलायंस पार्टीज का वोट शेयर 65% था, मतलब 100 में से 65 लोगों ने NDA के खिलाफ वोट डाला था। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा जीत जाएगा, लेकिन अगर वोट इकट्ठा करके अगर 1:1 कॉन्टेस्ट होगा पूरे देश में तो चुनाव मैं समझता हूँ कांटे का रहेगा और हम जीतने की उम्मीद करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अपने आप को रीइन्वेंट करना, ब्लॉक पंचायत लेवल तक लोगों को अपने साथ जोड़ना, और जो जनता चाहती है, जो आइडिएशन है, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो मिडिल क्लासेस हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, उनके जीवन को बेहतर एक कैसा एक बेहतर ब्लूप्रिंट दे सकते हैं वो जनता जानना चाहती है। पीपल वांट टू नो कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है, हम लोग रोड मैप क्या तैयार करें, 5 साल हम लोगों को क्या देंगे। जुमले झूठे वादे नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली हम लोग कैसे कर सकते हैं वो एक सस्टेनेबल एजेंडा जनता के बीच जाना है, और मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ठीक है, राहुल जी। सचिन जी, बीजेपी जो पिछले कुछ दिनों में इलेक्शंस को लेकर चल रही है, वो इलेक्शंस को एक वॉर की तरह करते हैं। कोई भी चुनाव हुआ, एक खत्म हुआ और उसके शाम से ही अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी भी बीजेपी की तरफ से लगभग 50% जो उम्मीदवार हैं उनके घोषित हो चुके हैं। ये चीज़ें आपकी यानी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बाकी पार्टियों में क्यों देखने को नहीं मिल रही है, ये जानते हुए भी कि अब चुनाव की लड़ाई इस युद्ध स्तर पर होगी, क्या आप अपने उस पारंपरिक रणनीति और ढर्रे को ही अपनाना चाहते हैं, या फिर आपको ये समझना है कि नहीं, अब इस स्ट्रेटेजी पे आना पड़ेगा हमको, इस वॉर फ्रंट पे आना पड़ेगा हमको? नहीं, अपने कैंडिडेट्स एक हफ्ता पहले या बाद अनाउंस करने से पूरा चुनाव बदल जाएगा मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हो सकता है एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो कि कंसल्टेशंस के बाद कौन उम्मीदवार आ रहे हैं, 1:1 कॉन्टेस्ट कराने के लिए हमें क्या रणनीति अडॉप्ट करनी है, पूरा होमवर्क, फीडबैक, एनालिसिस, सर्वेज वो हम सब के पास हैं,
जो इंस्ट्रूमेंट्स कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज़ कर सकती है हम भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, वो बखान ज़्यादा करते हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, उनको एक परसेप्शन क्रिएट करने का रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारियों में और स्ट्रेटजाइजिंग करने में या आउटसोर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, सब होता है लेकिन उसका बखान बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी का जो एक प्रचार है वो अखबार, व्हाट्सएप, टीवी, मतलब कुछ छोड़ते नहीं है, रेडियो सब जगह लगाते हैं क्योंकि पैसा उनके पास है, जो डोनेशन आ रही हैं 95% पैसा देश में जो डोनेशन हुआ है बॉन्ड्स में वो एक पार्टी को गया है, तो उस पैसे का कहीं तो इस्तेमाल करेंगे उसको। इसलिए सचिन जी, अब इस शो में एक हमारा लास्ट राउंड है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है, ये एक और रैपिड फायर है, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट नहीं करेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए? पहले जोरदार तालियां हो जाए इस रैपिड फायर के लिए। अब सचिन जी, इसमें बस एक छोटा सा ये है कि ये आपके पास प्ले कार्ड है, यस और नो, सामने कैमरा आपका लगा हुआ है, आपको अगर पास करना है तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, मैं वहां पर जाऊंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा, यस नो या पास। ये हमारा जोरदार तालियां हो जाए पहले। क्या आप सभी लोग पहले सवाल के लिए तैयार हैं? अब हर सवाल पे मैं चाहता हूं आप क्लैप करें सचिन जी के लिए, सीधे आइए, पहला सवाल दिखाइए जरा सचिन जी। पहला सवाल है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं। भाई ईमानदार नेता क्यों नहीं है? यस कर दीजिए आप, यस कर दीजिए, ओके। दूसरा सवाल प्ले करिए जरा, दूसरा सवाल है, प्ले करिए, कांग्रेस के नेताओं में अनुशासन की कमी है, यस या नो? ओके। तीसरा सवाल प्ले करिए, संदेश खाली की घटना के लिए ममता सरकार जिम्मेदार हैं, यस या नो सर? पास। ऑडियंस जरा जोरदार तालियां, में कमी आ रही। ओके, अगला सवाल दिखाइए जरा, इंडिया गठबंधन के गठन में देरी हुई, नो। लास्ट एक और सवाल हमारा दिखाइए जरा, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल जी ने बोला था, आप एग्री करते हैं इससे? यस, ओके। नेक्स्ट सवाल, जोरदार तालियां हो जाए जरा। अब अगला सवाल प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल है, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को माफ कर दिया है, जोरदार तालियां हो जाए इस बारा, ये सब लोग जानना चाहते थे। अब मेरा एक लास्ट सवाल है सर आपको, एक बार फिर से और उठाना पड़ेगा, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एक बार। अगला सवाल प्ले करिए जरा, सचिन पायलट हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये रिकॉर्ड हो चुका है सचिन जी, थैंक यू सो मच सचिन जी का, बहुत बहुत जोरदार तालियों से आपका बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच सचिन जी, थैंक यू।